नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में लड़के लड़कियों के लिए खुशखबरी, सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान। राजू दानवीर ने सरकार पर हमला बोला, कहा पप्पू यादव को जेल में रखने के लिए कई तरह की साजिश कर रही है सरकार। लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी में उफान जारी, वाल्मीकि नगर बराज से 4,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिहार में परामर्शी समिति बनते ही चमकी वार्ड सदस्यों की किस्मत, योजना खर्च के लिए सरकार देगी पैसा। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी, जाने कब चुनी जा सकती है गाँवों की सरकार। पटना मेट्रो स्टेशन के लिए बदलेगा लोहिया पथ चक्र का डिजाइन, दानापुर से खेमनीचक के बीच होंगे 14 स्टेशन। मॉनसून के दस्तक के साथ ही पीपा पुल बंद, गांधी सेतु पर बढ़ेगा दबाव, बढ़ सकती है जाम की समस्या। बिहार में ब्लैक फंगस की रफ्तार जारी, IGIMS और एम्स में बेड फुल, 24 घंटे में 3 की मौत। आज से पटना जिले के सभी सेंटरों पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद लगेगा कोरोना का टीका। बिहार के 33 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 से भी कम, कैमूर में नहीं मिला कोई पॉजिटिव। बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सुबह को बहुत जल्द एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय में भी लड़कियों को 33% यानी कि 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। बुधवार को एक अन्य मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की। इस बैठक में कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से खेल विश्वविद्यालय के संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर विस्तृत जानकारी रखी गई। विभाग के अपर मुख्य सचिव वंदना किनी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सीएम नीतीश ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में कुछ बिंदुओं पर और गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शीघ्र ही इस पर विचार विमर्श एवं स्थल भ्रमण कर इसे पुनः प्रस्तुत किया जाए। सीएम ने कहा कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, विकास के कई कार्य करने के साथ साथ खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने सरकार पर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को साजिश के तहत जेल में बंद रखने का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार पप्पू यादव की सेवा भाव और बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है। सरकार नहीं चाहती कि बिहार में कोई विपक्ष काम करे और जनता की परेशानियों में उनके साथ खड़ा हो। यही कारण है कि पप्पू यादव को जेल से बाहर आने देना सरकार नहीं चाहती है। इसीलिए 32 साल पुराने मामले के बाद अब 2.5 साल पहले जन आंदोलन के मामले में पप्पू यादव को घसीटने का काम कर रही है। राजू दानवीर ने कहा कि बिहार में बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधने वाली सरकार की पुलिस 2019 में बेटियों के रेप के खिलाफ आंदोलन के मामले में अब प्रोडक्शन वारंट लिया है। आखिर सवाल उठता है कि पटना पुलिस इतने दिन से कहां सोई थी। 32 साल पुराने केस में भी बिहार पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक रहा है। बिहार सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जनहित के लिए आंदोलन मामले में पप्पू यादव को फंसा रही है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। नेपाल की तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी में उफान जारी है। वाल्मीकि नगर बराज से फिलहाल 4,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंडक बराज पर जल संसाधन विभाग के अभियंता हाई अलर्ट पर हैं। नेपाल से आ रही पानी से बिहार के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण जहां अन्य इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है, वहीं तटबंध और बांधों पर 24 घंटे अभियंता और कर्मियों की मुस्तैद रहने का आदेश जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है, जिसे लेकर जल संसाधन विभाग हाई अलर्ट पर है। वाल्मीकि नगर बराज से 4,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नारायणी नदी का पानी लाल निशान से पीला निशान पर आ पहुंची है। गंडक बराज के सभी 36 फाटक को खोल दिया गया है। वहीं तटबंधों के अंदर बसे लोगों को बाहर आने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में पेयजल योजना के रखरखाव नीति को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि अब वार्ड सदस्यों को पेयजल योजना के रखरखाव के लिए 5,000 से अधिक राशि मिलेगी। पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत 15वें वित्त आयोग के अनुदान मिलते ही 7 दिनों में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रतिमाह 4,000 रुपये की दर से अनुदान राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित
किया जाएगा। इसमें से अनुरक्षकों को 2000 रुपया प्रति माह के दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा और बाकी के 2000 रुपये का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव में खर्च किया जाएगा। वार्ड सदस्य पेयजल योजना के अनुरक्षक बनाए गए हैं। ऐसे में उनके द्वारा हर परिवार से वसूली गई 30 रुपये प्रति माह की राशि का आधा हिस्सा भी मिलेगा। बिहार में पंचायत चुनाव अपने समय पर नहीं हो सका, जिसके कारण लोग गांव में नई सरकार का चुनाव नहीं कर सके। ईवीएम से मतदान कराने को लेकर शुरू हुए विवाद से चुनाव को तय समय के अंदर होने से रोका। वहीं जब भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच इसे लेकर सहमति बनी तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने बिहार में तबाही मचानी शुरू कर दी, जिसके कारण इसे टालना पड़ा। अब कोरोना की लहर जब शांत हुई है तो राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना की लहर जब बिहार में शांत हुई तो बाढ़ की आहट अब सुनाई देने लगी है। सुबह में मॉनसून प्रवेश कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें बाढ़ प्रभावित जिलों से लेकर प्रखंडों और पंचायतों की जानकारी मांगी गई है। अगर सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो आयोग दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की तैयारी कर सकता है। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार ने फिलहाल परामर्श समिति का गठन किया है। इसके जरिए ही फिलहाल गांव की सरकार चलाई जा रही है। समिति के गठन से जुड़े अध्यादेश की मियाद भी नवंबर में पूरी हो जाएगी। इसे देखते हुए दिसंबर तक चुनी हुई नई सरकार फिर से गांव की सरकार चला सकती है। पटना मेट्रो के क्रियान्वयन को लेकर बनाई गई विभिन्न विभागों के समन्वय समिति की बैठक अगले 1-2 दिनों में होगी। बैठक में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अलावा जिला प्रशासन, नगर विकास व आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, NSAI, रेल सहित कई विभागों के प्रतिनिधि रहेंगे। जानकारी के अनुसार इस बार बेली रोड पर बन रहे लोहिया पथ चक्र और मेट्रो अलाइनमेंट के बीच आ रही तकनीकी परेशानियों पर निर्णय होंगे। इसमें लोहिया पथ चक्र व बेली रोड पर बने ड्रेनेज के साथ मेट्रो के अलाइनमेंट की चर्चा होगी। लोहिया पथ चक्र के डिजाइन में कुछ बदलाव के सुझाव भी दिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि इसको लेकर PMRCL ने पुल निर्माण निगम को पत्र लिखा है। लोहिया पथ चक्र से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि लोहिया पथ चक्र के कारण कोई बड़ी बाधा की बात नहीं है। 1-2 जगहों पर कुछ इशू है जिसके समाधान को लेकर प्रयास किया जा रहा है। 1-2 दिनों में बैठक कर जो भी परेशानी होगी उसका निपटारा कर लिया जाएगा। छोटे वाहनों के बाधा रहित परिचालन के लिए भद्र घाट पर बने पीपा पुल की सवारी मंगलवार सुबह से बंद कर दिया गया है। बुधवार से विभाग के आदेश के बाद इसे खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल मॉनसून के दस्तक देने के बाद गंगा के जलस्तर बढ़ने की स्थिति में यह निर्णय बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से लिया गया है। हालांकि गंगा के जलस्तर की निगरानी के बाद 1 सप्ताह और परिचालन होता, लेकिन 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद मंगलवार से परिचालन रोक दिया गया है। दरअसल महात्मा गांधी सेतु के जाम के विकल्प के लिए बने पीपा पुल छोटे वाहनों का परिचालन सुबह से शाम तक हाजीपुर से पटना व पटना से हाजीपुर के बीच होता है। ऐसे में अब परिचालन को रोक दिए जाने की स्थिति में छोटे वाहनों का दबाव सेतु पर बढ़ेगा। ऐसे में जाम की समस्या फिर से सेतु पर बढ़ सकती है। पटना समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर मंद पड़ते ही ब्लैक फंगस ने रफ्तार पकड़ ली है। शहर के PMCH, IGMS, एम्स और NMCS में रोजाना औसतन 20 से 25 नए रोगी भर्ती हो रहे हैं, जबकि करीब 50 सामान्य फंगस के मरीज रोजाना संबंधित अस्पतालों के OPD में इलाज के लिए आते हैं, जिन्हें दवा देकर घर भेज दिया जाता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ रही है। खासकर महामारी की दूसरी लहर में जिन जिलों में ज्यादा संक्रमित मिले हैं वहां से ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना में अब तक करीब 85 ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत भी हो गई है। वहीं कोरोना की बात करें तो रोजाना 10 से 15 मरीज ही भर्ती हो रहे हैं। पटना में आज से सभी सेंटरों पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलने लगेगी। यह सुविधा अब 18 से 44 वर्ग के लोगों को भी मिलेगी। हालांकि जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक करवा कर सेंटर पर जाना चाहते हैं वे भी करवा सकते हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू होने से इसका फायदा कम पढ़े लिखे लोगों, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करने वाले लोगों को खासतौर से होगा। अब कोरोना वैक्सीन लेने के लिए उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाना होगा। वे अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं। होटल पाटलिपुत्र अशोक और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे वैक्सीनेशन हो रहा है। यहां बिना पहले से कोई रजिस्ट्रेशन करवाए किसी भी समय अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाता है तो वैक्सीन दे दी जाएगी। इधर पटना में तीसरे दिन मंगलवार को वैक्सीनेशन अभियान धीमा रहा, जिसमें 11,117 को ही वैक्सीन लगाई जा सकी।
पिछले 24 घंटे के दौरान सूबे में कुल 410 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। कैमूर जिला में कोई भी नया संक्रमित नहीं पाया गया है। सूबे के 33 वैसे जिले हैं जहां नए संक्रमितों की संख्या 20 से अधिक नहीं है। राज्य के सिर्फ 4 ऐसे जिले हैं जहां संक्रमितों की संख्या 20 से अधिक पाई गई है। इसमें पटना में सर्वाधिक 57, गोपालगंज में 56, सुपौल में 25 और पूर्णिया में 22 नए मामले पाए गए हैं। जिन जिलों में 20 से कम संक्रमित पाए गए हैं उसमें अररिया में 4, अरवल में 6, औरंगाबाद में 5, बांका में 2, बेगूसराय में 19, भागलपुर में 4, भोजपुर व बक्सर में 2-2, दरभंगा में 12, पूर्वी चंपारण में 6, गया में 5, जमुई में 5, जहानाबाद, शेखपुरा व मुंगेर में 1-1, कटिहार में 12, खगड़िया में 14 और किशनगंज में 17 संक्रमित शामिल हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।